हेलो फ्रेंड, गैरेज में एक डिस्कवर 125 एसटी बाइक आया है, तो इस पे जो फ्रंट कैलिवर होता है ये पूरा उसका टूट गया है। ये देखिए, ये पूरा टूट गया है देखिए। तो इसको नया डालना पड़ेगा पूरा असेंबली, और जो असेंबली इसका बहुत कॉस्ट है। अभी मैंने मार्केट से नया लाया है एंड्रेंस कंपनी का, ये भी ओरिजिनल लाया, लगभग 2000 का ऊपर आया कॉस्ट इसका। ये भी एंड्रेंस का था, ये ओरिजिनल। अभी इसको मैं फिटिंग कर रहा हूँ, और फिटिंग करने के लिए इसमें बहुत मशक्कत करना पड़ता है, इतना जल्दी से आसान से नहीं होता है। अभी इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने, ऑयल डाल के इसका एयर निकालूँगा पहला, और कैसा एयर निकालने का ये भी पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो देख लीजिए कैसा मैंने इसका एयर निकाल रहा हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना बुलबुला निकल रहा है, ऐसा पंप करते रहने का। और यहाँ पे जो कैलिवर है, कैलिवर में एक पाइप लगा देने का, यहाँ पाइप का थ्रू एयर निकल जाता है, नहीं तो उसका जितना ऑयल होता है ये वो गट्टू में पड़ जाएगा और डिस्प्ले उसका ख़राब हो जाएगा। साथ साथ उसका जो मैकोइल है वो भी कलर उसका डिस कलर हो जाएगा। सावधानी से करें, क्योंकि जो डिस्प्ले का डॉट फ्री ऑयल होता है बहुत खतरनाक ऑयल होता है, अगर वहीं भी गिर जाता है ऑयल तो उसका कलर छोड़ा देता है। कितना ऑयल एयर निकल रहा है देखिए, ये पूरा एयर है। जब तक इसमें एयर रहेगा तब तक पंप सही से काम नहीं करेगा, ब्रेक सही से वर्किंग नहीं करेगा। अभी धीरे धीरे आ गया देखिए, एक छोटा सा जानकारी था। ये देखिए पूरा अच्छे तरह से ब्रेक वर्क कर रहा है देखिए, अभी हो गया, मस्त हो गया। अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।